क्लास सेवन थे, जैसे कि आपका आज का पहली क्लास और पहला चैप्टर है स्टिल लाइफ। ठीक है, स्टिल लाइफ इसमें क्या है कि पहले हम समझ लेते हैं कि स्टिल लाइफ होता क्या है। कहीं भी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट कंपोज करते होते हैं, जैसे कि कोई वस्तु कहीं पे स्थिर हो एक जगह पे, तो उसको स्टिल लाइफ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कोई भी ड्रॉइंग स्टार्ट करने से पहले हम जज करते हैं चीजों को। जैसे कि हमें कोई ऑब्जेक्ट लेना है, ये हमारा पेज है, ड्रॉइंग पेज, एक थ्री साइड हो सकता है, एक फोर साइड हो सकता है। ठीक है, इस पेज का लगभग 70% पार्ट क्या है, क्या हमें यूज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि हमने छोटा सा ड्रॉइंग बना दिया है पेज पे, वो क्या होता है कि उससे चीजें बैलेंस नहीं होती, चीजें क्या होती है अनबैलेंस हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद है टोन, उसके बाद हम बात करेंगे टोन। कलर टोन हो या पेंसिल शेडिंग टोन हो, ऑब्जेक्ट की पहचान तभी ठीक से होती है जब तक हम उसमें टोन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टोन होगी ये एकदम लाइट है, ये हाईलाइट से ज्यादा लाइट। और सेकंड टोन है ये, ये थर्ड टोन से ज्यादा डार्क है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये तीनों टोन का यूज होता है, चाहे आप कलर करो चाहे आप पेंसिल शेडिंग करो। ठीक है, और सेकंड नंबर हमें ये ध्यान रखना होता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि लाइट किस साइड से आ रही है, जिस पार्ट में लाइट होगी वहां पर सबसे ज्यादा हाईलाइट होगा। जैसे कि ये सबसे ज्यादा हाईलाइट है ये, 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 ये। ठीक है, इसमें सेकंड टोन का सेकंड टोन ये है, ये, 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 और थर्ड टोन जो सबसे ज्यादा डार्क टोन होती है, थर्ड थर्ड ये आती है, यहाँ पे डार्क हो रही है ये, ये इसके नीचे ये शैडो है, ये इसका बेस है। और एक चीज का और ध्यान रखना, कोई भी ड्राइंग करने से पहले उसको ऐसे हवा में नहीं बनाना, उसको नीचे से बेस बनाना होता है, बेस लगे कि चीजें रखी हुई है, ऐसी हवा में नहीं रहती है चीजें। ठीक है, उसके बाद है कि पेंसिल ड्राइंग के लिए हमें पेंसिल कौन सी, देखो ये बी के जो सेट आते हैं, बी ये सॉफ्ट पेंसिल के सेट होते हैं, जैसे कि 2B, 4B, 6B, 8B और जी 9B और 10B। ठीक है, अगर हमें नॉर्मली ड्रॉइंग करनी है तो 2B और 4B पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर शैडो सेटिंग देनी है, साइड सेटिंग जितनी हमें सेटिंग चाहिए उस हिसाब से, कितना लाइट चाहिए कितना डार्क चाहिए उस हिसाब से पेंसिल, ये सबसे डार्क है 10B, सबसे ज्यादा डार्क टोन आएगी 10B, उससे कम आएगी 9B, उससे कम आएगी 8B, ये ऐसी कम होती चली जाएगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कोई भी ड्राइंग करने पहले ड्राइंग करना और मुझको ऑनलाइन उसको दिखाना है, दिखाने के बाद मैं उसमें बताऊंगा आपको क्या करना है, कहीं कमी होगी तो मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, ऑनलाइन उससे एडवाइस आप दे सकते हो। ठीक है, ओके, फिलहाल तो आप इतना ही मुझे करके दिखाइए, उसके बाद में आगे आपको कोई कुछ और मतलब बताऊंगा। ठीक है।